धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र के दिखठान चौकी अंतर्गत स्थित ग्राम मांगरोल में जातिवाद का मामला सामने आया है, जहां शासकीय भूमि पर विवाह कार्यक्रम करने को लेकर ग्रामवासियों ने ग्राम के करीब 12 दलित परिवारों का बहिष्कार कर दिया। किसी ने सामान दिया तो 25,000 का जुर्माना या बात की तो जिससे उच्च जातीय वर्गों द्वारा ग्राम में स्थित दलित वर्गीय परिवार को न ही ग्राम में रोजगार दिया जा रहा है और न ही राशन दिया जा रहा। परेशान परिवारों ने जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ग्राम में चल रहे इस जातिवाद को खत्म करवा विवाह समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करावे। वहीं बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि हमने ग्राम मांगरोल में चल रहे इस जातिवाद के खिलाफ परेशान परिवारों की मदद करने और ग्राम में जातिवाद को खत्म कर ग्रामवासियों को हर संभव मदद कर शांतिपूर्ण विवाह संपन्न कराने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया है। यदि विवाह समारोह में कोई वाद विवाद होता है तो प्रशासन जवाबदार होगा एवं पीड़ित परिवारों के समर्थन और चल रहे इस जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। धार से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ से। यहाँ पर आज धार जिले में जो जाति व्यवस्था लगातार जातिवाद के कारण हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब यहाँ पर एकजुट होकर आए थे। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नेतृत्व में यहाँ के सभी पदाधिकारियों के साथ में माननीय कलेक्टर साहब से मिलने गए थे कि सागौर थाना क्षेत्र में मांगरोल गांव में पिछले 20 दिनों से हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का हुक्का पानी बंद कर रखा है। दूध डेयरी से दूध नहीं देते हैं, किराने की दुकान से किराना नहीं देते हैं, यहाँ तक कि साइकिल का पंचर भी नहीं बनाते हैं, न मजदूरी पे रखते हैं, न ही संवाद करते, बातचीत भी नहीं कर सकते। यदि अगर बातचीत करेंगे तो उनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना है। ऐसा दंड उन्होंने आपस में एक दूसरे पे उच्च जाति के लोगों ने लगाया और उसका मूल कारण क्या है कि हम लोगों ने जो शासकीय भूमि है, हमारे लोग वहाँ पर जो वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तीसरे का, तेरहवे का, सगाई का, शादी का और मान पूजन इत्यादि कर्म सर्व वर्ग वहाँ पर करता था, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारे लोगों का अचानक बहिष्कार कर दिया। 15 तारीख की 15 फरवरी की शादी है और 15 फरवरी की शादी चूंकि इन 12 दलित परिवारों में है तो 12 दलित परिवार के को का बहिष्कार किया गया है, हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज हम माननीय कलेक्टर और माननीय एसपी साहब से मिलने आए थे, आवेदन दिया। यदि यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम भोपाल के लिए कुछ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और यहाँ के प्रशासन की शिकायत करेंगे। आपका नाम? धन्यवाद। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।